अस्सलाम वालेकुम, मैं बना रही हूँ आज चने की दाल और उसमें मैं शामिल करूँगी प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, जीरा और ये है दालचीनी, लौंग, साबुत काली मिर्च और कड़ी पत्ता। लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और कुटा हुआ धनिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल लिया है, इसको थोड़ा गर्म करके इसमें मैंने प्याज शामिल कर दिया। अब इसको फ्राई करेंगे। मैं कोई शेफ नहीं हूँ, ना ही मैं सिखाने के लिए बनाती हूँ वीडियोस। मैं वही वीडियोस डालती हूँ जो मेरे किचन में डेली बन रहा होता है। सो अगर कोई ये समझता है कि मैं सिखाने के लिए डाल रही हूँ तो ऐसा नहीं है। ये मैंने गरम मसाले ऐड किए हैं, ये भी इसके साथ थोड़े से फ्राई हो जाएंगे। इसका टेस्ट अच्छा आता है दाल में। वैसे मुझे खाने में ये बिल्कुल भी नहीं पसंद, लेकिन टेस्ट इसका अच्छा होता है। आप देख सकते हैं हल्का सा फ्राई होना स्टार्ट हो गया। थोड़ा इसको और फ्राई करेंगे और उसके बाद हम बाकी की चीज़ें डालेंगे। ये अदरक और लहसुन चॉप किए हुए हैं जो कि मैं दिखा नहीं सकी, लेकिन मैं शामिल कर रही हूँ इसमें। थोड़े से इसको फ्राई करेंगे और उसके बाद फिर मैं इसमें शामिल करूंगी टमाटर और हरी मिर्चें। ये टमाटर और हरी मिर्चें शामिल की हैं, इसको भूनेंगे थोड़ा ताकि टमाटर जो है वो अच्छे से गल जाए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरा चैनल नया है। और लाइक एंड शेयर प्लीज़। ये मैंने कुछ मसाले ऐड किए हैं इसमें, हल्दी, लाल मिर्च और धनिया पाउडर, कुटा धनिया। थोड़ी देर इसको फ्राई करेंगे ताकि टमाटर जो हैं वो अच्छे से गल जाएं। ये देखिए काफ़ी हद तक जो है वो गल चुके हैं। ये उबली हुई चने की दाल है जो मैं इसमें शामिल करूंगी अभी। इसको ज़रा सा भून लेते हैं इसमें। ये इसी दाल का ही जो पानी है, यखनी कह सकते हैं इसको, थोड़ा सा शामिल करूँगी क्योंकि बहुत सूखी हुई दाल नहीं चाहिए। अब इसको थोड़ा सा पकाएंगे जब तक कि इसका ऑयल ऊपर ना आ जाए, और एंड में इसके ऊपर हम धनिया ऐड करेंगे, सब धनिया।